अपराधियों को प्रशासनिक संरक्षण मिल रहा है। चंद पैसे के लिए पालीगंज डीएसपी देवराज यादव की हत्या करवा देता है। यादव जूता चप्पल पहले पहना देंगे, नहीं हत्यारों को पकड़ा जाएगा। वोट देते हैं और जब तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं तो यादव की हत्या थाने गेट पर कर दी जाती है। वह देवराज यादव जो हजारों लोगों को रोजगार देता था, आज हजारों लोगों की चूल्ही सुनी। लोग इस कांड में संलिप्त है, इस बात को चलाइए आप लोग। बड़ी मछली को बचाने की तैयारी की जा रही है तेजस्वी यादव के बाद। लड़ाई तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक कि देवराज यादव को न्याय नहीं मिल जाता है, उसके हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है, पालीगंज डीएसपी की बर्खास्तगी नहीं होती है। अगर तुम हमारे हत्या पे हमारे साथ नहीं हो तो कल तुम्हारे साथ भी हम नहीं है, जाना होगा भाजपा के साथ चले जाना। मरने के लिए छोड़ दिया है और आज हमारे लोग मारे जा रहे हैं। हम लोग चलेंगे पटना से पालीगंज, लेकिन यह लड़ाई तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक कि देवराज यादव को न्याय नहीं मिल जाता है, उसके हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है, पालीगंज डीएसपी की बर्खास्तगी नहीं होती है और उसके परिवार को प्रशासनिक संरक्षण नहीं मिलता है, उनको सुरक्षा मुहैया कराने की जरूरत है। क्या तेजस्वी यादव जी कौन सी राजनीति करते हैं आप? पूरे जिले में, बिहार के कोने कोने के जिले में दलित पिछड़ों की हत्या हो रही है, किसी को जदयू का संरक्षण प्राप्त है तो किसी को अन्य लोगों का संरक्षण प्राप्त है, और आप सत्ता के लोभ में, सत्ता के लालच में अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिए हैं। यह न्याय नहीं है, यह सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है, यह सामाजिक न्याय कतई नहीं है। सामाजिक न्याय की अब सरकार नहीं है, यह अपने पेट पेटी और परिवार के न्याय की सरकार है, और इसके बदौलत न यादव समाज सुरक्षित रहेगा, न मुसलमान, न दलित पिछड़ा, और जो न्याय प्रिय लोग हैं इसका मुखालफत करना होगा, विरोध करना होगा, नहीं तो आज देवराज यादव मारा गया है, कल कोई और मारा जाएगा, और इसे अगले चुनाव में फिर जाएंगे हम लोगों से, आप लोगों से वोट मांगने के लिए। इसलिए इसको चुनौती दीजिए, तुम घर से निकलो और तुम्हें जो वोट दिया है उसको तुम बचाओ, नहीं तो कल तुम लोगों के साथ हम लोग खड़े नहीं रहेंगे, और यह लड़ाई हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हम लोग यहाँ से पालीगंज चलेंगे और पालीगंज से हजारों की संख्या में हम पटना आने का काम करेंगे, यहाँ लाखों की संख्या में आएंगे। जब पटना कैंडल मार्च में हजारों की संख्या में आ सकते हैं तो देवराज यादव के न्याय के लिए, चाहे विधानसभा घेराव का मामला हो, चाहे राजभवन घेराव का मामला हो, सीबीआई जांच हर हाल में होनी चाहिए, सीबीआई जांच हर हाल में होनी चाहिए, तब ही जा करके इसमें कौन प्रशासन के लोग आए, कौन राजनीतिक व्यक्ति इतने शालीन लोगों की हत्या में शामिल है, उसका पर्दाफाश होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। इनकलाब जिंदाबाद, देवराज यादव अमर रहे। लोग जो है यहाँ पटना में आए हैं, क्या मजबूरी है, यादवों की सरकार है, फिर भी आप लोग क्यों? देखिए, बीते 5 नवंबर को सामाजिक कार्यकर्ता देवराज यादव की हत्या रानी तालाब थाने के गेट पर कर दी जाती है। आज लगभग 1 महीना से ज्यादा दिन हो गए, अपराधी आज खुली सांस ले रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के संरक्षण में अपराधी जी रहे हैं। 1 महीने के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होना, यह बेहद शर्मनाक विषय है, और आज देवराज यादव को न्याय दिलाने के लिए, हम सब उन्हें आत्मा की शांति दिलाने के लिए हम लोग कैंडल मार्च, आक्रोश मार्च निकालने का काम किया है। संरक्षण में ये हो रहा है, तेजस्वी यादव के लोग इस कांड में संलिप्त है, इस बात को चलाइए आप लोग। बड़ी मछली को बचाने की तैयारी की जा रही है तेजस्वी यादव के द्वारा। तेजस्वी यादव कान खुलकर सुन लीजिए, देवराज यादव के हत्यारों को गिरफ्तार करना होगा, अन्यथा यह लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ने का हम लोग काम करेंगे, पटना बंद करेंगे। आरोप लगा रहे हैं डिप्टी सीएम, लगाइबे करेंगे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, यादव की वोट लेने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, और यादव वोट देते हैं और जब तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं तो यादव की हत्या थाने गेट पर कर दी जाती है। वह देवराज यादव जो हजारों लोगों को रोजगार देता था, आज हजारों लोगों की चूल्ही सुनी पड़ी है देवराज यादव के देवराज यादव के जाने के बाद। तो हम लोग मांग करते हैं तेजस्वी यादव से, अगर सच में आप यादव के हितैषी हैं, जनता की हितैषी हैं, न्याय प्रिय हैं, तो देवराज यादव को हत्यारों को गिरफ्तार कीजिए, इस केस का उद्भेदन कीजिए, और जो भी बड़ी मछली है उसको सामने रख लाने का काम कीजिए, तभी यह आंदोलन रुकेगा, नहीं तो आंदोलन चलता रहेगा। अभी तो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तुरंत आप लोग एरिया में जाएंगे तो ज्यादा लोग कहते हैं कि भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा, हर जाति से हम लोग विरोध करेंगे, बेहद लोकप्रिय चप्पल का माला पहना देंगे, हर जाति से हम लोग जूता चप्पल माला पहना देंगे, नहीं हत्यारों को पकड़ा जाएगा। हम लोग जादवे नहीं है, हम राजपूत हैं, हमारे यहाँ भी आएंगे तो हम लोग जूता से जूता का माला पहनाएंगे। आज बताइए कि 50,000 आदमी को वो जातिवाद नहीं जानते थे,
वो रोजगार देना जानते थे उस आदमी को जो क्रिमिनल नहीं थे, वो एक इंसान थे। इंसान व्यक्ति को डीएसपी थाने पे बुलाकर और 5 मिनट में ही मर्डर करा देता है। थाना प्रभारी और डीएसपी का मिलीभगत है, बताइए जिस थाने पर कैमरा लगा हुआ रहता है उस थाने का कैमरा तक बंद रहता है। ये थाना क्या है? पैसा 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 खाने के लिए थाने प्रभारी आता है। कनपा थाने में अगर कोई आता है तो 25 लाख 50 लाख दे कर आता है। एक मिनट है, डीएसपी पर डाउट है, डीएसपी और थाना प्रभारी दोनों पे डाउट है। नहीं तो हम आपसे यही पूछना चाहते हैं सर कि आपके घर पे थार गाड़ी है, ठीक है, बालू है, क्या थार गाड़ी में बालू रहता है? थार गाड़ी को घर में से निकाला जाता है, औरत को मारा जाता है, पीटा जाता है, और जब उसके भाई विरोध करता है तो उसको पकड़ के थाने पर लाया जाता है और भी मार के बेशर्मी से मारपीट किया जाता है। उसके बाद जब उसको छुड़ाने आदमी जाता है तो कहता है क्या कि देवराज को बुलाओ। देवराज पटना में रहता है, पटना से बुला कर 5 मिनट भी नहीं होता है उसके भाई पिंटू को छोड़ दिया जाता है, गाड़ी को छोड़ दिया जाता है। जब देवराज थाने से निकलता है तो उसको 8-9 गोली लगता है, वो भी थाने के गेट पर। बताइए इसमें किसका हाथ है? डीएसपी का हाथ है, थाने प्रभारी का हाथ है? देखिए देखिए हम लोग वीडियो रखे हुए हैं, हम जात के राजपूत हैं, क्या हम जादो हैं? हम उनका समर्थन है, हम उनका एक स्टाफ हैं। देखिए मैं राज्य में तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी की सरकार है जिसे पूरे देश के लोग सामाजिक न्याय के नाम से जान रहे हैं आज के दौर में। सुशासन बाबू कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। तेजस्वी यादव जी को अगर तनिक सा भी शर्म है तो उसे यह सोचना होगा जो हमारे लोगों की हत्या आज क्यों हो रही है। जिन लोगों के द्वारा वोट दे करके 80-80 विधायक भेज करके आज तुम्हें सत्ता में बैठा दिया गया है, और वही लोग आज मारे जा रहे हैं, तुम्हारे गोलियों से छलनी किए जा रहे हैं थाने के गेट के सामने में, डीएसपी के संरक्षण में, थानेदार के संरक्षण में, और तुम यहाँ चुप्पी साधे बैठे हुए हो। लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीद थी तेजस्वी यादव जी आपसे जुड़ी हुई। नीतीश कुमार जी सत्ता में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 80 विधायक जब आपको बनाया बिहार के लोगों ने तो उससे बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर थी, उससे बड़ा विश्वास आपके लोगों ने, बिहार के लोगों ने आपके ऊपर जताने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से देवराज यादव की आज हत्या हुई पालीगंज कनपा थाने के गेट पे, और इस तरीके की हत्या बिहार के पूरे जिले में, हर जिले में लगभग हो रही है, और अपराधियों को प्रशासनिक संरक्षण मिल रहा है, चंद पैसे के लिए पालीगंज डीएसपी देवराज यादव की हत्या करवा देता है, और सारे नेता जाते हैं उनके घर पे, इवन मीसा भारती तक गई है उसके घर पे, सारे लोग गए हैं, लेकिन आज तक एक भी अपराधी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। हम लोगों का मांग है सीबीआई जांच हो, कौन लोग इसमें शामिल है। अगर इतने जन समर्थन के बाद भी, इतने न्यायप्रिय सरकार के रहने के बाद भी चंद सामंती शासी लोगों के द्वारा और चंद पुलिस प्रशासन के मिलीभगत से ऐसे सीधे साधे लोगों के, ऐसे कारोबारी लोगों की हत्या हो रही है जो पिछड़े समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, जो हजारों लोगों को जात धर्म देखे बिना रोजगार देते हैं, वैसे लोगों को अगर आज मार दिया जा रहा है तो इससे बड़ा जघन्य अपराध इस प्रदेश में नहीं हो सकता है। और यह कलंक है राज्य सरकार के ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर और तेजस्वी यादव के ऊपर। इसे समझना होगा और घर परिवार के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना होगा, नहीं तो आने वाले समय में उनके घर परिवार के और लोगों पे हत्या करने की साजिश चल रही है। बस यही हम लोगों का मांग है, नहीं तो हम लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पालीगंज भी चलेंगे, और पालीगंज से लाखों की संख्या में आकर के राजभवन को और विधानसभा को और लालू जी के आवास को घेरना पड़ेगा तो घेरेंगे, लेकिन यादवों को और पिछड़ों की हत्या और दलितों की हत्या को मंजूर नहीं करेगा बिहार और पालीगंज और पटना का लोग।